सोनम कपूर और आनंद आहूजा शादी के बंधन में बंध गए। इनकी शादी काफी चर्चाओं में रही है। 8 मई को इन दोनों ने शादी की और लगातार इन्हीं के बारे में बात होती रही। लेकिन जनाब अब इन दोनों की शादी विवादों में आ गई है। जी हाँ, एक रस्म की वजह से हुआ है विवाद। क्या है वो विवाद, जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा का विवाह चर्चाओं में है। सोनम कपूर और आनंद ने सिख धर्म के अनुसार आनंद कारज करवाए, लेकिन अब इसके साथ एक विवाद जुड़ चुका है। जी हाँ, आनंद कारज की वजह से विवाद जुड़ा है। दरअसल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में दूल्हे आनंद आहूजा कलगी लगाकर बैठे रहे, जो कि विवाद का कारण बन गया है। जी हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में कलगी लगाकर बैठना आनंद के लिए विवाद का कारण बन गया है। दोनों के आनंद कारज के लिए श्री हरमिंदर साहिब से ग्रंथी सिंह और कीर्तनी जत्था पहुंचा था, लेकिन उनकी तरफ से दोनों परिवारों को सिख रहित मर्यादा की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण ये मर्यादा भंग हुई है। सिख जत्थेबंदियों में इसको लेकर काफी रोष है। पंथक फ्रंट के जत्थेदारों और सदस्यों ने मीटिंग करके इस घटना की सख्त शब्दों में निंदा की है। हैरानी की बात यह है कि दरबार साहिब के पूर्व हेड ग्रंथी भाई जसविंदर सिंह की तरफ से ये आनंद कारज करवाया गया, पर उनकी तरफ से दोनों परिवारों को कलगी उतारने के लिए नहीं कहा गया। पंथक फ्रंट के सदस्यों ने मांग की है कि इस गलती का नोटिस लेते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो फिलहाल तो कलगी लगाकर बैठे रहना आनंद आहूजा के लिए विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।